हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल गाइस आज हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड हमने पहले जो दो चैप्टर किए हैं उसमें एक तो था हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और दूसरा था हमारा इंट्रोडक्शन टू तो अकाउंटिंग जिसमें हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था और सारी बेसिक टर्म्स जो थी हमने वो कम्पलीट करी थी अब हम एक थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएटेड भी है और थोड़ा थियोटिकल ओरिएटेड भी है तो हमारे इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब जिन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है हमारी एंटायर अकाउंटिंग सिस्टम वो प्रिंसिपल्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं सो so, हमें क्या बोला है सबसे पहले अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ये हम अच्छे से जानते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेट कैसे करता है बिजनेस कम्युनिकेट करता है अकाउंटिंग के थ्रू जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के थ्रू सारा कम्युनिकेशन होता है बिजनेस कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है गैप्स आर नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनको हम कहते हैं गैप्स गैप्स मींस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक्चुअली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसलिए भूला क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सभी जगह एप्लीकेबल है मतलब अगर हम इस एंटायर वर्ल्ड में जहाँ जहां अकाउंटिंग कर रहे हैं भले ही हम यूएस में करते हैं भले ही इंडिया में करते हैं भले ही हम कहीं पर भी, भी करते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल सभी जगह एप्लीकेबल है और सबको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है सो दे आर जनरली एक्सेप्टेड नौ ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली है क्या ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिफाइन करते हैं अकाउंटिंग करने के पैरामीटर्स और अकाउंटिंग के कंस्टेंट्स पैरामीटर्स का मतलब है कि यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स दीज आर द पैरामीटर्स यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स और कंस्टेंट्स का मतलब है कि यू हैव टू स्टॉप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको इस जगह पे रुकना है इससे आगे नहीं जाना दिस इज अ कंस्टेंट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि आप एक स्कूल में पढ़ते हैं और आपका घर बिल्कुल पास है तो आपको घर से स्कूल जाना है यह आपका पैरामीटर है क्या आपको घर से स्कूल जाना है स्कूल से वापस घर आना है यह आपका कंस्टेंट है स्कूल से आपको इधर उधर कहीं घूमने नहीं निकलना है आपको स्कूल से वापस सीधा घर आना है यह आपका कंस्टेंट है तो सुबह ही डिसाइड कर लिया जाता है कि आप यहां से स्कूल जाएंगे और स्कूल से सीधा घर आएंगे स्कूल जाना पैरामीटर है और स्कूल से वापस घर आना कंस्टेंट है सो दिस इज गैप्स आर बेसिकली बेसिक रूल्स दैट डिफाइंस द पैरामीटर्स एंड कंस्टेंट विद इन विच द अकाउंटिंग ऑपरेट्स हमारी जो एंटायर अकाउंटिंग ऑपरेट होती है अकाउंटिंग ऑपरेट होती है पैरामीटर्स के अंदर और कंसटेंट्स के अंदर पैरामीटर्स तो मतलब हम जो जिन्हें हमें फॉलो करना है और कंस्टेंट मतलब जिनके अंदर रह के जिस जिस बाउंड्री लाइन के अंदर रह के हमें काम करना है नो दिस प्रिंसिपल्स आर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये जो प्रिंसिपल्स हैं थ्योरी बेस है हमारा और ये हमारी गाइडलाइंस है बेसिकली हमें इन गाइडलाइंस को फॉलो करके चलना है और हमारा बेसिक थ्योरी बेस है तो हमने क्या बोला है? देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक और फंडामेंटल प्रोपोजिशन जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन द दिच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हमारे बेसिक और फंडामेंटल प्रपोजिशंस है वी प्रपोज इट एंड दे आर बेसिक प्रोपोजिशंस वी एंड जनरली ऑल अकाउंटेंट हैव टू फॉलो दीज प्रपोजिशंस एंड

जब अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी होगी यूनिफॉर्मिटी मतलब ऐसा नहीं कि हम अमेरिका वाले अलग ढंग से अकाउंटिंग करते हैं और हम लोग अलग ढंग से अकाउंटिंग करते हैं वरना तो क्या हुआ कि हम अमेरिकन कंपनीज और इंडियन कंपनीज को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो हम ये चाहते हैं कि कंपेरेबिलिटी बने ये अकाउंटिंग का क्वालिटेटिव कैरेटिस्टिक है बट कम कंपेरेबिलिटी कब बनेगी यूनिफॉर्मिटी से जब यूनिफॉर्मिटी आएगी तो कंपेरेबिलिटी बनेगी नौ नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नेसेसिटी है कि हम ये चाहते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हों जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूनिफॉर्म बनाए यूनिफॉर्मिटी आए सो so, यूनिफॉर्मिटी कौन ला रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ला रहे हैं नाउ no. अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बाइफर्केशन क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बाइफर्केशन दो हैं पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा है अकाउंटिंग अजम्पन्स या अकाउंटिंग कन्वेंशंस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मतलब अकाउंटिंग एजम्पन्स और एक है हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशन अकाउंटिंग कन्वेंशन मतलब प्रोसीजर्स टू फॉलो अप सो अकाउंटिंग कन्सेप्ट अकाउंटिंग कन्सेप्ट क्या है फंडामेंटल प्रपोजिशन है या ऐसा बोल सकते हैं हमारे एजम्पन्स है हमने कुछ एज्यूम किया है दैट एजम्पन इज रियलिस्टिक बेसिकली बट वी एज्यूम समथिंग एंड कन्वेंशन मीन्स कन्वेंशन मीन्स प्रोसेस और प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर दैट वी हैव टू फॉलो जर दैट एजम्प्शन एंड कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन दोनों मिलाकर बनता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल ठीक है अजम्पन मतलब हमने एज्यूम किया है और अकाउंटिंग कन्वेंशन मतलब हमारे फॉलोअप से हमारे कस्टम से हमारा प्रोसीजर है नो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है अकाउंटिंग कन्सेप्ट इज वॉट इट इज इन आइडिया और नोशन ये एक आइडिया है ये एक नोशन है नो डाउट इट इज एन अजम्पन बट इट कम्स विथ सम आइडिया और नोशन ये एजम्पन कहाँ से आता है एक आइडिया और मोशन से आता है सो अकाउंटिंग कन्सेप्ट आर बेसिक अजम्पन्स और फंडामेंटल प्रपोजिशन विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स जिसमें अकाउंटिंग ऑपरेट करती है नाउ वाई टू फॉलो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज इट अनेबल्स द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड दैम बेटर एंड इन द सेम मैनर आपने जो भी फाइनेंशियल इफॉर्मेशन जनरेट करी है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजर समझ पाएगा और सेम मैनर में समझ पाएगा किसकी हेल्प से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पन्स की हेल्प से बिना उसके वो समझ नहीं पाएगा एजम्शन्स होंगे उसके दिमाग में पहले से यूज जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो यूजर है उसके दिमाग में पहले से एजम्शंस होंगे और वो एजम्पन्स को लेकर बेटर ढंग से समझ पाएगा नौ no. अब हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेन्शंस सो अकाउंटिंग कन्वेंशन आर आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिस और प्रिंसिपल्स दीज आर द आउटकम्स मतलब क्या होता बेसिकली जब हमने कंसेप्ट से एजम्शंस को अप्लाई किया तो जो रिजल्ट हम चाहते थे कुछ कुछ पॉइंट पर हमारे पास रिजल्ट्स आए एब्सर्ड एब्सर्ड मतलब जितना जो रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा रिजल्ट नहीं आया तो हमने क्या किया उन रिजल्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए कन्वेंशन अप किए कन्वेंशंस आर बेसिकली प्रैक्टिस ओके और यू कैन से दे आर द प्रोसीजर देखो एजुकेशन लेना एक कॉन्सेप्ट है एक एजम्पन है बट उसके लिए कन्वेंशन क्या है स्कूल जाकर लेना एजुकेशन लेना या ऑनलाइन एजुकेशन लेना वो कॉन्वेंशन है वो प्रैक्टिस है प्रोसीजर है सो अकाउंटिंग अजम्पन्स या कन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते हैं बट अकाउंटिंग कन्वेंशन मे चेंज जैसे पहले आप स्कूल जाते थे कोविड टाइम में बट स्कूल बंद हो गया तो ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर दी तो अकाउंटिंग कन्वेंशन मे चेंज बट अकाउंटिंग अजम्पन्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डो चेंजेस सो कन्वेंशन चेंज क्यों होते हैं दे चेंज विद द टाइम फॉर बींग इम्प्रूव मतलब इंप्रूवमेंट लाने के लिए क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम कन्वेंशंस को चेंज करते हैं बट कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते हैं कॉन्सेप्ट बेसिक अजम्पन्स है हमारे नाउ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फर्स्ट फीचर इज इट इज मैन मेड यस हमने बनाए मैन मेड है सारे दे स्टैंड दे डू नॉट स्टैंड द स्क्रूटनी लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंसिस नेचुरल साइंसिस के प्रिंसिपल नहीं है ये हमने खुद बनाए नौ

जनरली एक्सेप्टेड नहीं होंगे दे आर फिजिबल दे आर फिजिबल एंड कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी इन कॉस्ट फिजिबल होना भी बहुत जरूरी है अगर अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी या कॉस्ट होगी तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो एक्सेप्टेंस कब होगी जनरल एक्सेप्टेंस रेलेवेंस ऑब्जेक्टिव और फिजिबल ये इन तीनों को मिलाकर जनरल एक्सेप्टेंस आएगी अब जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड है गोइंग कंसर्न तो हम इसको समझते हैं कि पहले गोइंग और कंसर्न इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग क्या है दोनों का कंसर्न का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे या बिजनेस बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंसर्न और गोइंग मीन्स चलता रहेगा चलता रहेगा मीन्स आवर ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट स्टॉप इन द फोर्सेबल फ्यूचर इट विल गो ऑन सो हमारा एजम्पन क्या है अकॉर्डिंग टू दिस concept, इट इज assumed that बिज़नेस शैल कंटिन्यू फॉर फोर्सेबल पीरियड एंड there इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन द ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली कहीं पे भी सिग्निफिकेंटली बिजनेस बंद होने का हम नहीं सोच रहे हैं हम फोर्सेबल फ्यूचर को जब अब देखते हैं जहाँ तक हम देख सकते हैं जहाँ तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जिस पीरियड तक हम फ्यूचर पीरियड तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर हम फ्यूचर पीरियड को ऑब्जर्व करें और फोर्सेबल फ्यूचर को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हमारे बिजनेस को बंद कर देंगे या हमारे ऑपरेशंस को सिग्निफिकेंटली डाउन करेंगे हम अकाउंटिंग करते समय ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा इट विल नॉट स्टॉप इन द नियर फ्यूचर और इन द पॉसिबल फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पन अब ये एजम्पन है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म पीरियड तक चलेगा तो इस एजम्पन की वजह से आउटकम क्या आया इम्प्लीकेशन क्या आया इस एजम्पन की वजह से आउटकम आया कि हमारे एक्सपेंडिचर दो तरह के बन गए अगर हमारा एजम्पन ये नहीं होता तो हमारे एक्सपेंडिचर भी दो तरह के नहीं होते तो एक्सपेंडिचर दो तरह के कैसे बने एक बना कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसकी वैल्यू हमें बहुत लंबे समय तक मिलेगी और एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसकी वैल्यू हमें एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलेगी सपोज मैं एक काम करता हूँ मैं गोइंग कंसर्न एजम्पन को अज्यूम नहीं करता हूँ मैं मानता हूँ कि आज से मैं बिज़नेस स्टार्ट किया है और एक साल के अंदर मैं विद इन वन ईयर मैं बिज़नेस को क्लोज कर दूंगा क्लोज बिजनेस विद इन वन ईयर मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ अगर मैंने ये उल्टा एजम्पन लिया है तो मैं पेन खरीदूंगा बिजनेस के लिए या मैं मशीन खरीदूंगा दोनों की वैल्यू मुझे कितने साल मिलेगी सिर्फ वन ईयर क्योंकि मैं एजम्पन क्या चल रहा हूं? ले रहा हूँ मैं एजम्पन ले रहा हूँ कि बिज़नेस मैं एक साल में बंद कर दूंगा तो जब मैं बिज़नेस एक साल में बंद कर दूंगा तो फिर मेरे लिए पेन और मशीन दोनों में कोई बाइफर्गेशन नहीं रह जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू मुझे एक साल ही मिलेगी तो फिर दोनों ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं डिफरेंस क्यों आया जब आपने एज्यूम किया कि आपका बिजनेस चलता रहेगा लॉन्ग टर्म पीरियड तक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू कब देगा कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू तब देगा जब आप ये एज्यूम करेंगे कि बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा सो दिस इज बेसिक एजम्पन दिस इज बेसिक कंक्लूजन ऑफ दिस एजम्प्शन नौ अ कॉस्ट ऑफ मशीनरी तो हम लोग क्या करते हैं जो है? है, है. हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं हमारी कॉस्ट ऑफ मशीनरी है सपोज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर दस साल चलेगा मशीनरी दस साल चलेगी तो हम लोग क्या करते हैं हम ये मान रहे हैं कि हमारा बिजनेस भी दस साल चलेगा तो हम मशीनरी की वैल्यू को दस साल में डेप्रिशिएट करते हैं हर साल हम कुछ छोटा छोटा अमाउंट डेप्रिशिएट करते जाते हैं और हमें वैल्यू मिल हम उस वैल्यू को पी में ट्रांसफर करते जाते हैं नौ अब हमारा नेक्स्ट सजमशन है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है वेन वी आर डूइंग अकाउंटिंग एट दैट पॉइंट वी आर ट्रीटिंग बिजनेस एंड ओनर बोथ है सेपरेट दोनों को हम सेपरेट मान रहे हैं दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है दे आर डिस्टिंग फ्रॉम ईच अदर हम दोनों को सेपरेट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें अकाउंटिंग करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो जब हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है तो हमें उन दोनों को सेपरेट मानना पड़ेगा इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस अपने आप में अलग अकाउंटिंग एंटिटी है और ओनर अलग है या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नाउ आउटकम्स इस सेपरेट एंटिटी को मानने से हमारे आउटकम्स क्या आएंगे आउटकम्स ये आएगा कि जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया बिजनेस उसको भी सेपरेट मान रहा है तो जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया बिजनेस उस पैसे को इंटरनल लाइबिलिटी मानेगा कैपिटल इज एंड इंटरनल लाइबिलिटी जो पैसा बिजनेस में लगाया गया उसको हम कैपिटल कहते हैं और वो इंटरनल लाइब्रेटी है बिजनेस के लिए बिजनेस उसको इंटरनल लाइब्रेटी इसलिए मान रहा है जस्ट बिकॉज बिजनेस ओनर को ही सेपरेट मान रहा है ओनर ओनर का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है अकाउंटिंग करते समय ओनर अलग है तो कैपिटल भी इंटरनल लाइब्रेटी है सो दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट दैट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट सो गाइज यहां तक हमने दो कॉन्सेप्ट किए हैं अब हम इस क्लास को छोटा रखेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में फिर और कॉन्सेप्ट करेंगे Thank you. Till then, goodbye.